राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा कि महाराज एक बात बताओ, समप्रिया सुहृद ब्रह्मन भूता नाम भगवान स्वयं। भगवान समभाव रखते हैं, जितना प्रेम वो एक अमीर से करते हैं उतना ही गरीब से करते हैं, जितना प्रेम एक सुंदर व्यक्ति से करते हैं उतना ही व्यक्ति जो कम सुंदर होता है उससे प्रेम करते हैं। कुब्जा से किया कि नहीं किया? तो मुझे एक बात बताओ पहले कि वो देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को चुन चुन के मारते हैं, तो संभाव यहां कहां दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों करते हैं? तब उन्होंने कहा कि राजन, ऐसा नहीं है कि वो देवताओं को बचाते हैं और दैत्यों को चुन चुन के मारते हैं। प्रहलाद भी, जो भगवान के भक्त हुए प्रहलाद, तो प्रहलाद भी दैत्य ही थे, भगवान ने उनको बचाया, उनकी रक्षा की। किस प्रकार की? तो ये कथा सुनाई है। अभी आपको बताया था कि हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्याक्ष का भाई था हिरण्यकश्यपु, तो वो विष्णु भगवान से बदला लेना चाहता था, उनको मारना चाहता था। अब भगवान को मारने के लिए शक्ति चाहिए और शक्ति मिलेगी भक्ति से, तो उसने सोचा भाई तप करने चलो। तो वो तप करने के लिए गया, और ये कथा भागवत में तो नहीं है लेकिन अलग से गुरुजी ने बताई है कि जैसे ही तप करने के लिए गया तो देखा कि देवताओं ने नारद जी को तोता बना के भेज दिया। वो नारायण के नाम से नफरत करता और तोता वो जहां भी तप के लिए बैठता, मंदराचल पर्वत पर गया था तो उस पर्वत के जिस कोने पे जाता वहीं पर वो तोते के रूप में नारद जी नारायण नारायण बोल देते। इस स्थान से उस स्थान पर गया तो नारायण नारायण, अब भाई तोता तोड़ ही लेगा। तो इसको मूड खराब हो गया, बोला आज मुहूर्त नहीं अच्छा, फिर आएंगे। घर वापस आया तो पत्नी कयादु ने कहा कि आप तो बहुत जल्दी आ गए, तप हो गया? बोले तप नहीं हुआ कयादु, मैं जैसे भी तप करने के लिए जाता ब्रह्मा जी का नाम लेता तो एक तोता आ गया। बोले तोता आ गया तो उसके बाद क्या हुआ? बोले उसने नारायण नारायण कहना शुरू किया तो हमारा मन खराब हो गया, भगवान का ध्यान करने में हमारा मन नहीं लगा, ब्रह्मदेव का ध्यान करने में हमारा मन नहीं लगा तो हम वहां से चले आए। और जैसे ही पत्नी कयादु ने सुना नारायण का नाम, वो नारायण की भक्त थी, तो बार बार पूछा स्वामी क्या कहा कि नारायण, क्या कहा नारायण। तो ऐसे सुबह से लेकर शाम तक कयादु ने गुरुजी कहते हैं कि 100 बार से भी ज्यादा उससे नाम ऐसे कहलवा लिया, गलती से ही सही लेकिन नाम कहलवा लिया। कहते हैं कि जब वो 4 नाम बचे हुए थे, 104 हो चुके थे, 4 नाम बचे थे, माला 108 की होती है ना, तो सायंकाल के समय पैर दबा रही है, स्वामी वो तोता क्या कह रहा था जरा बताना। सो से गुस्सा आ गया, उसने कान पकड़ा तेजी से, नारायण 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 कह रहा था। इतने में 108 हो गया नाम, वो खुश हो गई कि गलती से सही, गुस्से से सही, क्रोध से सही नारायण का नाम तो लिया। और पत्नी उसी को कहते हैं कि पत्नी को पति को सत मार्ग में लगा दे। आज बहुत खुश हुई, रात्रि में शयन किया और ये दोबारा तप के लिए जाता है और इधर कयादु ने गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण कैसे किया, नारायण का नाम, पहले नारायण का नाम उसके बाद गर्भ धारण किया। तो इसने तप किया और तप के बल पे ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, प्रकट हुए, कहा कि भूतो न भविष्यति, जो तुमने तपस्या की ऐसी आज तक किसी ने नहीं की, मैं खुश हूँ, तुमको क्या चाहिए वरदान मांग लो। शरीर में दीमक लग गया था, हड्डियों का ढांचा बचा था, ऐसा तप किया तो कहा कि अमरता का वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हम ही अमर ना आए हैं, तुम्हें कहाँ से दे दें। तो बोले फिर ऐसा करिए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि ना दिन में ना रात्रि में, इन महीनों में किसी भी महीने में ना मरूं, ना किसी दिन में मरूं, ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं, तो और आपकी सृष्टि में किसी से ना मरूं, ये वरदान दे दो।
तो ब्रह्मा जी ने सोचा बेचारा नहीं, कह दिया तथास्तु। अब मैं लेफ्ट ही हूं ना तो मेरा लेफ्ट हाथ चलता है तथास्तु। वैसे तो आशीर्वाद तो यहां से देना चाहिए ना। तो कहा कि तथास्तु, और जैसे ये कहा और इसने तो उत्पात मचा दिया। शक्ति मिली तो उत्पात मचाया। सबसे पहले धार्मिक आयोजनों को उजाड़ा, जहां पर यज्ञ आदि हो रहे थे वहां पर विध्वंस कराया, मंदिरों को तोड़वाया। जहां पर नारायण की प्रतिमा थी जिस मंदिर में, उन मंदिरों को तोड़वा दिया और अपनी प्रतिमा को लगवा दिया। नारद जो नारायण नारायण का जाप करते थे वो भी हिरण्यकश्यपु का नाम लेने लगे। डर की वजह से देवता भगदड़ मचा रहे, भागते घूम रहे हैं। इधर कयादु जब ये तप के समय गया था तो कयादु को इंद्र ने बंदी बना लिया था, तो नारद जी ने छुड़ा लिया और अपने आश्रम में रखा। तो इधर इसने वरदान पाया और उधर कयादु ने एक बच्चे को जन्म दिया। और जितने दिन वो कुटिया में रही, नारद की कुटिया में, नारद के आश्रम में रही कयादु, उतने दिन वो सत्संग करती रही। अब आपको एक बात और थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगी। नारद जी जब उन्हें अपने आश्रम में ले गए थे तो इच्छा प्रसूति का वरदान दिया था। कयादु ने कहा कि बाबा मैं गर्भवती हूँ और इस बच्चे का लालन पालन कैसे होगा, देवता लोग आक्रमण कर रहे हैं और मेरे पति तप के लिए गए हैं। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम चाहोगी तब तुम्हें ये बालक होगा, ये तुम्हें मैं वरदान देता हूँ। तो इधर हिरण्यकश्यपु ने वरदान पाया और इधर कयादु ने बच्चे को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप जब वरदान पाकर 5 वर्ष के बाद अपने महल में गया था, और 5 वर्ष के इसलिए प्रहलाद जी हो चुके थे। अब बात समझ में आई, कितने लोगों को आई? सारे लोगों को आई, मुझे नहीं आई। तो इधर ये 5 वर्ष के बाद घर पे गया है और इधर कयादु 5 वर्ष का बालक लेके घर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो आ चुका था। तो जैसे ही आज बालक को देखा, लाड प्यार किया, दुलार किया, बोला कि बच्चा पढ़ने लायक हो गया है तो अब इसको पढ़ाना चाहिए। तो कहा कि बेटा अब तुम्हें हम गुरुकुल में भेजते हैं, स्कूल में जाओ, गुरुकुल में मतलब जाओ और पढ़ाई करो। तो शुक्राचार्य जी के 2 बेटे थे शंडामर्क जी, तो उनके गुरुकुल में उसको भेज दिया। कुछ दिनों के बाद पढ़ के वापस आए तो कहा कि बेटा कुछ पढ़ा है, थोड़ा सुनाओ, कुछ अच्छा सा पाठ, कोई कविता कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी सुनाने लगे। तत्साधु मन्ने सुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न ध्यामो सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी अब मुझे ये लगता है कि आपका बन जाने का समय आ गया है। ये घर में कहाँ, घर गृहस्थी में अंधकूप में पड़े हो, या तो भजन करो तो ठीक है, मंदिरों को तोड़वा रहे हो, भगवान से बैर कर रहे हो, और मुझे तो ये लगता है कि बैर नहीं, अब आपको उनसे प्रेम करना चाहिए, वन में जाके उनका भजन करना चाहिए। अब जो नारायण का नाम सुना, भगवान का नाम सुना, गुस्सा गया। प्रहलाद के गुरु से कहा कि तुम इसको ये सिखा रहे हो, तुमसे कहा था कि इसको राजनीति सिखाना, कूटनीति सिखाना, भाई शिक्षा में यही सिखाया जाएगा इसको, वो पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, नारायण से प्यार करो कि भगवान से प्रेम करो, ये त्याग वैराग्य इसको नहीं पढ़ाया जाएगा, इसको कूटनीति राजनीति सिखाई जाएगी, ये कहा। तो उन्होंने कहा महाराज क्षमा करो, अब इसको हम दोबारा लेके जाते हैं, नजर करेंगे इसको ये सब कौन सिखा रहा है, हम तो सिखा नहीं रहे। लेकर गए, कुछ दिनों के बाद फिर वापस लेके आए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, कहा कि बेटा आप क्या सीखा, थोड़ा सिखाओ, अच्छा पाठ कुछ सुनाओ। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपने कहा कि अच्छा सुनाओ तो अच्छा ही सुनाऊंगा, बस आपने सुनने की क्षमता होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम।
देखो पिताजी, भगवान की कथा सुनो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भगवान के नाम को स्मरण करो, भगवान के चरणों की सेवा करो, भगवान को अपना शत्रु नहीं अपना सखा मानो, और सब कुछ भगवान के चरणों में आत्मनिवेदनम। जो अर्जुन ने किया था वो आप भी करिए। जो इतना सुना, पहले तो एक पाठ सुना रहा था, आज 9 पाठ सुना रहा है। गुस्सा गया, संडामर्क से कहा कि इसको लेकर जाओ और अपने जो भी घर में, जो महल में लगे हुए थे दैत्य रक्षक, उनसे कहा कि इस बालक को मार दो, नहीं तो ये ऐसा जहर फैला देगा कि और भी दैत्य बालक बिगड़ जाएंगे, इसको ले जाके मार दीजिए। तो कभी पर्वतों से गिराया जा रहा है, तो कभी मत वाले हाथियों के सामने डाला जा रहा है, कभी विष दिया जा रहा है, कभी होलिका में जलाया जा रहा है, छोटे से पंचवर्षीय बालक को, कभी गर्म खोलती हुई कड़ाई में तेल डाल के प्रहलाद को बिठा दिया जाता है, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। भगवान कहते हैं ना कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, अर्जुन मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। वो एक कदम हमारे लिए बढ़ता है और हम उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ते हैं। बस शर्त है कि वो बढ़ने की कोशिश तो करे। सुदामा जी ने कोशिश की, वो मांगने के लिए नहीं गए थे लेकिन कोशिश की जाने की। तो जैसी द्वारिकापुरी थी ना, वैसी सुदामापुरी बना दी, और एक मुट्ठी चावल में ही एक लोक की संपत्ति प्रदान कर दी। कोई संसार में एक मुट्ठी चावल कहीं लेके जाना, डायमंड की शॉप पे जाना और कहना कि एक मुट्ठी चावल ले लो और डायमंड के इयररिंग्स दे दो, कोई देगा? लाखों रुपए दोगे तब कहीं जाके आपको इयररिंग्स मिलेंगे, लाखों रुपए में, बताओ। तो जो सब कुछ देने वाले हैं, आज कुछ लोग, मैं ये नहीं कहूंगी सब लोग, कुछ लोग उसी ईश्वर को भूल रहे हैं। दिव्यम भौमम च अंतरिक्षम वित्तम अच्युत निर्मितम। आपको इस संसार में जो संपत्ति दिखाई देती है, जो धन दिखाई देता है, वो सब ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, हमारी आपकी कोई कोशिश नहीं है। अगर आप सोचो कि हम अपने दिमाग लगा के धन कमाते हैं और भगवान ने दिमाग ही ना दिया होता तो, अगर आपको लग रहा है इन हाथों से परिश्रम करके हम धन कमाते हैं, भगवान ने हाथ ही ना दिए होते तो, अगर आप सोचो कि हम पैरों से चलते हैं, सारे दिन दौड़ भाग करते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, तब कहीं जाके इतना कमाते हैं, पैर ही ना दिए होते तो, बोलो। और सब कुछ दिया होता, आंख ही ना दी होती तो, और मान लो पैर भी दे दिए, हाथ भी दे दिया, आंख भी दे दी, गाड़ी भी दे दी, सब कुछ दे दिया, बोलो। और अगर दिमागी न दिया होता तो किसी वस्तु में मिलावट करके कैसे बेचते, बताओ भाई, प्योर कुछ मिलता है, बताओ? किसी वस्तु में मिलावट करके कैसे बेचते। और मैं तो ये अपना ही दर्द कहती हूं, मुझे दूध ही प्योर नहीं मिलता है। जब भी दूध आता है मैं बोलती हूँ भैया बहुत पानी है, पता नहीं दीदी, मैं तो प्योर ही लाता हूं। तो देखिए बुद्धि, तो ये दिमाग दिया तभी तो पानी मिलाया जा रहा है। तो मैं तो अपनी दर्द कह रही हूं, मैं क्या करूं, अपना ही रोना रो रही हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, अमृत। यहां कोई दूध का काम करता है? कोई वृंदावन तक प्योर पहुंचाएगा?
अमृत है, हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम ना आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम ना आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम ना आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम ना आवे। देह पड़ी रहे जाए यही पर, देह पड़ी है हरि नाम तुम्हारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे। काशी
एक काल रूपी जो सर्प होता है ना, काल व्याल मुख ग्रास, हम सभी उसके मुख में हैं, ऐसे मुख खोला हुआ है, सच्ची बता रहे हैं, और उसके मुख में है, लेकिन अभी उसका मुख बंद नहीं है, ऐसे नहीं किया है, तो इसलिए कहा है किसी ने, काल सदा अपनी रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सर चढ़ बोले। अब करना क्या है भाई, इससे बचे कैसे? हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या, हरे नाम सरकार की। तो मैं निवेदन कर रही थी कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि हर पल मैं उसके साथ रहता हूं। तो आज प्रहलाद को बहुत मारने का प्रयास किया गया, उसके बाद शंडामर्क जी आश्रम में ले जाते हैं, और एक दिन छुट्टी का समय था तो दैत्य बालकों को प्रहलाद जी शिक्षा दे रहे हैं कि भक्ति जो है वो बचपन का विषय है, पचपन का नहीं। अगर हम बचपन से भक्ति करेंगे तो पचपन में हमारा मन लगेगा, नहीं तो हम बचपन से जो करते आ रहे हैं हमारा उसी में मन लगेगा। अगर राम राम कर रहे हैं तो राम राम करने में लगेगा, और कुछ और कर रहे हैं तो उसे करने में लगेगा। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, और युवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में सिखाया धरा धाम सत्य है, युवानी में सिखाया अर्थ काम सत्य है, और जब तोता उड़ चला पिंजड़े से, जब तोता उड़ चला पिंजड़े से, तब लोगों ने कहा कि राम राम सत्य है। जब आखिरी समय आता है तब कोई वो मटकी लिए होगा, चार कंधे लगे होंगे, एक सोरा होगा, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है, फिर कहने का क्या अर्थ है, फिर कहने का क्या अर्थ है। तो जीते जी हरिनाम नहीं तो
जीना क्या है। अगर जीवन में राम नाम नहीं है, अगर आप राम के नहीं, तो माफ करना किसी काम के नहीं। तो आज जब किसी भी प्रकार प्रहलाद नहीं मरे, तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से कहा कि ये बताओ कि तुझे ये शक्ति कौन देता है। भूखा रखता हूं तो भी नहीं मरते, पर्वत से गिराता हूं तो भी कुछ नहीं होता, सर्पों का विष काम नहीं करता, दैत्यों की तलवार काम नहीं करती, तो जीवित कैसे है। बोले जिस शक्ति के बल पर आप हमें धमका रहे हो, उसी शक्ति के बल पे हम तुम्हारे सामने डटे हुए खड़े हैं। कहा कि वो शक्ति कहाँ है, क्या इस खंबे में है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि हाँ हाँ, इस खंबे में भी है। मुष्टिक प्रहार किया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। पहले तो थोड़ी देर भगवान ने ऐसा खेल किया जैसे वो कुछ कर ही नहीं सकते, और उसके बाद जैसे ही समय देखा, पुरुषोत्तम मास था, ना सवेरा ना सांझ, देखा कि जिस समय आप दीपक जलाते हो, जिस समय हल्का अंधेरा सा होता है दीपक जलाते हो, गोधूली वेला जिसे कहते हैं, उसी समय भगवान ने दहलीज पे उसको रखा और एक एक वरदान याद कराया, वक्षस्थल को फाड़ दिया और भगवान दहाड़ने लगे वहां पर। और जब भाई दैत्य मरा है, इतनी देर से बजा रहे हो तो बजा लो ना। आपको ऐसे शांत हो गए जैसे ना इंडिया मैच हार गई हो। ये जीत हुई भाई, दैत्य मरा, शत्रु परास्त हुआ, भक्त की जीत हुई, भक्त के विश्वास की जीत हुई। तो आज देखा कि भगवान इतने क्रोध में है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, शिव जी ने स्तुति की, हनुमान जी ने की, पितृदेव ने की, नाग देवता ने की, अन्य देवताओं ने की, लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो किसी ने कहा कि लक्ष्मी मैया को बुलाओ, कि मतलब देवता जब नाराज हों तो देवी से रिलैक्स होंगे, शांत हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। सो वो आरती का थाल सजा कर लाई और जो रूप भगवान का देखा, आरती की थाली फेंकी, भाग गई। बोली इतने अवतार हुए मैंने प्रभु के देखे, लेकिन ये नरसिंह अवतार मैंने आज तक नहीं देखा। वैसे शुद्ध है ना नरसिंह, वो नरसिंह कहने में आता है कि नरसिंह है, वैसे मैंने समझा दिया, आप सोचो मैं रोम तो नहीं जा रही इसलिए। तो मैया ने कहा कि ऐसा रूप आज तक मैंने नहीं देखा। तो सभी ब्रह्मा जी और नारद जी आदि ने प्रहलाद को जब आगे किया, तो प्रहलाद ने स्तुति की भगवान की। ब्रह्मा दया सुर गड़ा मुनयो तसिद्धा सत्वैक तान मतयो बचसाम प्रवाह नाराद तुम पुरगुड़े राधुना पिप्रो किम तोष्टु मरहति सामे हरि रुग्र जाते। कहा कि ब्रह्मा दया सुर गड़ा मुनियोत सिद्धा सत्वैक तान मत्यो बचसाम प्रवाहि। कहा कि प्रभु ब्रह्मा जी ने जो आपकी स्तुति की, अन्य देवी देवताओं ने स्तुति की, उस लच्छेदार वाणी से मैं स्तुति नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं एक दैत्य बालक हूँ। टूटी हुई बाणू से जो मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, क्या आप उससे प्रसन्न होंगे। भगवान ने गोद में बिठाया और अपनी जीव से चाटने लगे और अपना बरद हस्त प्रहलाद के सर पे रखा और प्रहलाद से कहा कि प्रहलाद कुछ मांग लो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपने जो कृपा मुझ पर की, ना ब्रह्मणो ना तू भवस्य ना वही रमाया, जो कृपा आपने मुझ पे की, ना ब्रह्मणो ना तू भवस्य ना वही रमाया, ना अपने बेटा ब्रह्मा जी पर की, ना अपने पोता शिव जी पे की, और ना अपनी पत्नी लक्ष्मी पे की। भगवान ने कहा ऐसी कौन सी कृपा की कि आपने बरद हस्त मेरे शीश पे रख दिया, आपने अभय प्रदान कर दिया, आपने हमें जीवन मुक्त कर दिया, आपने अपना बरद हस्त मेरे शीश पे रख दिया, आपने ऐसी कृपा मुझ पर की। भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो बेटा।
कुछ मांग लो। जब कुछ नहीं मांगा तो अंत में हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु बस इतना दे दीजिए कि मेरे पिता बुरे भले जैसे भी थे ये अधोगति को ना जाएं। देखिए इतना बुरा बालक के साथ किया, उसके बाद भी प्रहलाद ने कहा कि पिता की अधोगति नहीं होनी चाहिए। तब भगवान ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा मान्यवती च धन्या स्वर्गे स्थिताय पितरोपि धन्या एषां कुले वैष्णवनाम धेय। कहा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था कि बेटा जिस कुल में तुम्हारे जैसे बालक का जन्म होता है तो आगे पीछे की सात सात पीढ़ियां तर जाती हैं। वसुंधरा उस स्थान की जो धरती होती है वो धन्य हो जाती है और स्वर्ग में जो पितर देव होते हैं वो भी धन्य हो जाते हैं। जिस कुल में तुम्हारे जैसा बालक जन्म लेता है उस कुल का कोई भी व्यक्ति अधोगति को नहीं जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमारे परिवार में कोई एक भक्त होना चाहिए। जैसे बच्चों को उच्च पद पर ले जाने के लिए आप जितने प्रयास करते हो, जितनी शिक्षा आप देते हो, आप दीजिए, वो भी ज़रूरी है, लेकिन साथ में संस्कार भी दीजिए। शिक्षा से वो उच्च पद पर जाएंगे और संस्कार से उस पद का सदुपयोग करना सीखेंगे, वो भी आप करिए। इसके बाद अंतिम क्रिया कराई है भगवान ने प्रहलाद जी से और राज्य करने के लिए कहा है कि राज्य करो और अंत में तुम हमारे ही धाम आओगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।